खेले में शुरू से मतलब कैसा रहलन? खेले में छोटे से खेले लगले। हाँ, छोटे से खेले लगले, खेलते खेलते मने आगे बढ़त गले। मने अपना मेहनत से, अपना मेहनत से हमकर तकदीर साथ दिहल। 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर चला जाता था, हैं जहाँ तहाँ ए जिला से वो जिला से खेला होता था, उसमें भी चला जाता था वो। हाँ, खेल उल के आता था। खेलने में आप लोग किस तरह साथ दे रहे थे उनका? खेलने में तो साथ दे रहे थे, लेकिन थोड़ा यह जानते हैं कि लड़का लोगों को झगड़ा वगड़ा होने से थोड़ा डर लगा, तो साथ देते थे। जय हिंद दोस्तों, अभी हम गोपालगंज में मुकेश सिंह जी के घर पे, आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि मुकेश सिंह जी जो है किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कुछ दिन पहले इंडियन क्रिकेटर टीम में सेलेक्ट हुए थे, उन्हीं के घर पे मौजूद है। देख सकते हैं पीछे उनका घर है और ये पूरा उनके हम द्वार पे खड़े हुए हैं। कुछ बात करेंगे चलेंगे, उनके घर वाले हैं, उनकी माँ है, उनके बाबू जी तो डेथ कर गए हैं, आप लोगों को पता होगा कुछ बीमारी कारण। और वैसे लड़का, एक मिडिल क्लास के फैमिली से निकलने वाला लड़का इंडियन क्रिकेटर टीम में सिलेक्शन हो जाता है, और उसके बाद कैसे कैसे उसके पालन पोषण रहता है, क्या क्या प्रक्रिया रहते हैं, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। चलते हैं, उनके माताश्री है, उनके घर के लोग हैं, जो भी है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। माता जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। हम बहुत खुश बने। कहेंगे मतलब उनका पालन पोषण कैले रहनी? अच्छा से पालन पोषण कैले मानी। खेले में शुरू से मतलब कैसे रहलन? खेले में छोटे से खेले लगले। छोटे से खेले लगले, खेलते खेलते मने आगे बढ़त गले। मने अपना मेहनत से, अपना मेहनत से हमकर तकदीर साथ दिहल। पूरा भारत के लोग कृपा भइल, भगवान के कृपा भइल, माता पिता के कृपा भइल, तो इतना आगे बढ़ गए। सब पालन पोषण यहाँ से भइल? यहाँ से भइल बटे, यहाँ से खेले के शुरुआत कइल? यहाँ से कइले। अच्छा जी, आप बताइए खेलने में मुकेश जी कैसे थे? देखिए, यहाँ पर तो खेलने में बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छा खेलता भी था। अच्छा। जब 8-9 साल का हुआ तो उसको खेलने में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। खेलते में आपको अब जहें तहें से मैंने खेलना शुरू किया, लड़का लोग को संगत हो गया खेलने वाला लोगों को, हैं अब जहाँ तहाँ से अपना लड़का लोग बुला के ले जाता था, खिलाता था, उलाता था। तो यहाँ पर उनका दोस्त एक थे अमित सिंह, अमित सिंह जी है ना, वो मैंने कोच के टाइम में दोस्ती थे, लेकिन सीनियर थे, कोच के टाइम में थे। तो वो इसका खेला वाला देखे तो इसको अपने साथ में जहाँ तहाँ से खिलाना शुरू कर दिए, है ना। ऐसे खिलाते उलाते में इसका बॉलिंग बहुत टाइट था, स्पीड था। तो यहाँ पर एक आरके सिंह थे, थाना प्रभारी थे वो, तो मेन स्टूडियो में यहाँ पर खेला कराए गोपालगंज में, है ना। खेला कराने के बाद में जब इसका बॉलिंग देखे और इसका तेज इसी रफ्तार देखे गेंद का, तो बहुत खुश हुए और बोले कि भाई तुम बहुत आगे तक जाएगा, लेकिन तुम खेला मन छोड़ा, हम तुम्हारा जितना हेल्प करना होगा करेंगे, यही बोले। इसके बाद में यहाँ पर अपना जहें तहें साइकिल से भी वो 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर चला जाता था, हैं जहें तहें ए जिला से वो जिला से खेला होता था, उसमें भी चला जाता था वो। हाँ, खेल उल के आता था। आने के बाद में हम लोग कलकत्ता रहते थे, हम उनका पिताजी और दो आदमी, दो भाई, ये चारों आदमी हम लोग कलकत्ता रहते थे। तो वहीं पर अब इसको तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं था, कोई बोर्ड नहीं था। हाँ, बिहार में क्योंकि पहले से स्थिति खराब है, स्थिति से खराब है, बोर्ड बोर्ड कुछ नहीं है। चाहे ये खेला के कोई नेता मिनिस्टर ये लोग बिहार गवर्नमेंट समझता भी नहीं था कि हाँ क्रिकेट क्या चीज़ है। बिल्कुल है, तो सुविधा नहीं था। तो हम लोग इसको वहाँ पर बुला लिए, यहाँ से खबर जाने लगा कि भाई खेलने में बहुत अच्छा है ये, तो वहाँ बुला के हम लोग क्लब में नाम लिखा दिया उसको, बंगाल क्लब में। 2011 में यहाँ से गया बंगाल क्लब में, जाके अपना खेला वाला वहाँ खेल क्लब में खेलना। वहाँ भी एक वीरेंद्र सिंह थे छपरा का, हैं वो कोच मिल गए उसको, इसका खेला से बहुत प्रभावित हुए आ खूब खेला। 2015 में जब रणजी ट्रॉफी का चुनाव हुआ उसमें इसका सिलेक्शन हो गया। जब उसमें सिलेक्शन होगा तो हम लोगों का बहुत खुशी हुआ, चला भाई रणजी ट्रॉफी में बंगाल टीम से चुनाव हो गया, तो बहुत सब कोई को खुश हुआ, घर वालों को भी खुश हुआ सब। उसके बाद में फिर
ढाई तीन साल इसका स्टेट बाय स्टेट खेलना शुरू कर दिया वो, है ना, खेलता था। उसमें आपको बेस्ट बॉलर का अवार्ड मिल गया बंगाल टीम का, बंगाल टीम से बेस्ट बॉलर का अवार्ड मिला, है ना, तेज गेंदबाज बेस्ट बॉलर का अवार्ड मिला। उसके बाद में जहाँ तहाँ फिर स्टेट बाई स्टेट अपना खेलना शुरू किया। तो अभी दो महीना पहले यहाँ आया था, आने के बाद में अपना 15 दिन रहा है, 12-14-15 दिन रहा है, सबसे भेंट मुलाकात उलाकात किया है। यहाँ से जब गया है तो जाने के बाद मैं जब मिर्जुलैंड के खिलाफ उसका चयन हो गया इंडिया ए टीम में, मिर्जुलैंड के खिलाफ, तो खबर अपना माँ से बात किया, माँ हमारा ऐसा ऐसा आए हैं, ऐसा ऐसा बात हो गया। तो गांव घर का सब कोई का खुशी वास से प्रचारित, और जानते हैं कि फैल गया, सब खुशी का माहौल पूरा गांव में हो गया, रिलेटिव में हो गया, ओकरा बिहार गोपालगंज में हो गया, है ना, ये कुली होते होते बिहार में, ओकरा बाद में अब इंडिया में भी एक सब लेवल पर हो गया, है ना। तो उसके बाद में हो गया गुजरात खेलने, गुजरात खेला तो उसमें उसको मैन डेप्टी मैट के अथी मिला, सीरीज मिला मैन डेप्टी मैट का। उसके बाद में खेल के तब आया बंगाल में, तब तक ले वो 2 तारीख को, यही 2 तारीख को उसको साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया बीसीसीआई में चयन हो गया, इंडिया बी टीम में। तो फोन किया अपने माँ से 2 तारीख को, उसके बाद में सब मैंने गाँव जवार जितने हैं खुशी से सब झूम उठा लो सब, हैं, अरे हम लोग तो, हम लोग हैं गांव के आदमी भी चाहे रिलेटिव भी, सब अपना मिठाई उठाई बंटना शुरू कर दिया, है ना। तो हुआ उसके बाद में सब आदमी का यही सब चल रहा है। तो यही सब देख सकते हैं कि उनका मुकेश जी का जर्नी है, और यहाँ पर उनका पिताजी का 2019 में देहांत हो गया, है ना, मैंने रणजी ट्रॉफी में चुना गए थे, बेस्ट बॉलर का अवार्ड भी मिल गया। तो 2019 में वो आज होते तो कितना अगर होते तो डबल खुशी का माहौल होता, बहुत खुशी का माहौल होता, है ना। तो यही थोड़ा तकलीफ है जी, आज उनका पिताजी नहीं है इसलिए थोड़ा तकलीफ है ना। तो सब गांव जवार का सबका खुशियाँ, और वो इतना ना मेहनत किया है, ये अपने मेहनत के बल पर वहाँ तक पहुँचा है, इसमें ना किसी का मैंने कोई इसमें तो घुस चलता ही नहीं है, नहीं, किसी नहीं, का पैर भी नहीं चलता है किसी का कुछ, वो अपने टैलेंट पर अपने खेल के दम पर वहाँ तक पहुँचा है। इसीलिए हम लोग सब आदमी उसी को धन्यवाद देते हैं कि भाई मेहनत किया, आज भगवान कृपा से वहाँ तक पहुँच गया, सबको रोशन किया, गांव जवार के नाम अब इंडिया के तरफ से खेलेगा, इंडिया का नाम रोशन करेगा। तो हम लोग को दया यही है, दुआ की, हे भगवान तुम जितने अच्छा खेलो, जितने अच्छा परफॉर्मेंस करो कि तुम इंडिया के एबरा हीरो बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा इंट्रोडक्शन उनके बारे में मिला, और मुकेश सिंह जी जो है उनका पिता का डेथ 2019 में हो गया। हम आशा करते हैं कि जहाँ कहीं भी होंगे देखकर वो भी खुश होंगे, और अभी रहते तो और ज़्यादा कुछ खुशी रहती, खुशियों का माहौल दुगुना रहता। और देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके और घर वाले हैं। आप मुकेश सिंह जी के क्या लेंगे? चाचा लगेंगे, ये उनके चाचा है, ये भी उनके बारे में कुछ बता रहे थे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। किस तरह का लड़के थे मुकेश जी? वो बहुत अच्छा स्वभाव के थे, हाँ शुरू से बचपन से उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, हाँ पढ़ने लिखने में भी ठीक था, हाँ जब 8-10 बरस का हुआ उसके बाद खेलने में आप लोग किस तरह साथ दे रहे थे उनका? खेलने में तो साथ दे रहे थे, लेकिन थोड़ा यह जानते हैं कि लड़का लोगों को झगड़ा वगड़ा होने से थोड़ा डर लगता, तो साथ देते थे कि भाई जाओ तो झगड़ा मत करना, खेल कूद कराना बढ़िया से। तो द्वारे पर भी खेलता था ज़्यादा, कवर द्वारे पर करता था, और उसके बाद जब पूरा हैबिट हो गया तो अब वह दूर दूर जाने लगा, दूर दूर जाने लगा, साइकिल से चला जाता था, गोपालगंज भी जाकर खेला। तो भगवान की कृपा से मैंने आगे बढ़ गया, उसका सिलेक्शन बढ़िया से हो गया, गांव के झंझट वाले माहौल से भी निकल कर अच्छा से खेल, हाँ अच्छा से हो गया। गांव का माहौल में रहता था थोड़ा आगे नहीं बढ़ता, लेकिन गांव के माहौल के छोड़कर बहुत आगे बढ़ गया, से हम बहुत खुशी है। तो पूरे देख सकते हैं कि गांव समाज में भी खुशी है, और पूरे कह लीजिए बिहार तो बिहार है, पूरा इंडिया का लोग आज उनकी तारीफ कर रहे हैं, और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक गांव से, एक मिडिल क्लास फैमिली से लड़का निकल के पूरा इंडिया में नाम रोशन करता है, और इंडिया का नाम रोशन करने के लिए अब विदेशों में खेलने के लिए जाएंगे मुकेश जी। और यहाँ से
बता दे आपको कि बिहार से कोई ऐसा सुविधा नहीं दिया जा रहा था सरकार की वजह से, नहीं तो ऐसे ऐसे बहुत से टैलेंट बच्चे जो है जिनके अंदर मर जाता है सुविधा की वजह से, गांव देहात में होने की वजह से, और उनके सरकार की तरफ से कोई ऐसा सुविधा नहीं दिया जाता है कि वो खेल में आगे बढ़े या जिस चीज़ में टैलेंट है उसमें आगे बढ़े। ये इसीलिए शायद उनको अभी कोलकाता टीम में सबसे पहले वो गए हुए थे, झारखंड में गए हुए थे, बंगाल में गए हुए थे, अभी जो है इंडिया लेवल पर सिलेक्शन हुआ। बिहार में कोई ऐसा नहीं बना, लेकिन मांग किया गया है कि बिहार में हर चीज़ का सुविधा किया जाए खेल को लेकर, और जो भी टैलेंट है उन लोगों के लेकर सुविधा किया जाए, बस यही सरकार से मांग है। चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।